हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। घर में छोटे छोटे बहुत सारे काम निकल आते हैं सुबह से, तो मैंने सोचा कि अब गेहूँ धुल लेती हूँ। तो गेहूँ रखे हुए थे क्योंकि अब धूप निकलने लगी है, तो मैंने सोचा गेहूँ धुल लेती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह आज ये मन सोचा यही काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद बताऊँगी। तो मैं बैठ गई गेहूँ धुलने के लिए। आप देख सकते हैं गेहूँ बहुत ज़्यादा बिखरी जाती है, तो गेहूँ धुलती है। फिर उसके बाद पिसाते हैं, आटा भी खरीदते हैं, निकाल के सारा। एक घंटे लग जाते हैं उसको गेहूँ धुलने में। तो सबसे पहले आज पानी यही किया, जैसे ही पानी आने लगा वैसे पहले गेहूँ धुला। इस तरीके से हम गेहूँ धुलते हैं। छोटे छोटे काम घर में धुलते हैं, चलाते हैं, कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रहता है हम महिलाओं के लिए। गेहूँ धुलने के बाद फिर मैंने देख रहे हैं ये पूरी ऊपर से बाल्टी भरी हुई गेहूँ की, मैं दोबारा डाल रही हूँ बाल्टी, और गेहूँ पूरा भरा हुआ। ये इतना सारा कचरा निकला है इसमें, ये सब सारा कचरा मैंने फिर साफ किया। गेहूँ मेरा धुल गया है, गलिया में भर के मैं रख दिया गेहूँ। इसका पानी निकल जाएगा, इसके बाद फिर मैं इसको छत में फैलाऊँगी। मैंने इसको रख दिया है। अब इसके बाद ज़्यादा लग जाता है उसके बाद डेली करते हैं और काम होते हैं। लेकिन एक हफ्ते के बाद एक हफ्ते में तो फिर अच्छे से सफाई बिल्कुल करते होते हैं। सफाई को ज़्यादा छुट्टियाँ चल रही हैं। अब ये देखिए बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, नाश्ता बनाया था तो उसके बाद बर्तन पड़े हैं, तो मैंने कहा बाद में धो लूँगी। उसके बाद मैं कर लिया है, रख दिया है मैंने। उसके बाद सफाई कर रही हूँ, सुबह से यही काम मैंने कहा चलो निपटा लेती हूँ। धुलने के बाद मैंने फिर नाश्ता बनाया। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने बर्तन सब धुले, और उसके बाद मैंने कितनी सफाई करें, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। चाय पीने के बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। भी बच्चों के लिए बना दिया था, तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया, मैं सिर्फ चाय पी लेती हूँ मैंने। और इसके बाद मैं अपना नाश्ता अपने लिए बनाऊँगा। सब मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते बना रही हूँ ऑमलेट, मिर्च और अदरक काट ली है, प्याज और ये धनिया की पत्ती, और ये रखा हुआ है नमक। हम मैं बना रही हूँ इनको, अंडा कच्चे अंडे हैं, इनको फोड़ लूँगी, फोड़ के फेंट लूँगी। फेंटने के बाद ये सब चीज़ डाल के मैं अपना नाश्ता जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। खा लेंगी, बच्चों को अच्छा लगेगा भी खा लेंगी, तो मैं इसको फोड़ के डाल रही हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं और वीडियो पसंद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, आप अच्छा लगेगा। मैंने इस पर सभी चीज़ें मिला ली है, और तवा रख दिया है, बस उसके बाद में उसको डाल दूँगी कुछ चीज़ों।
वो जल्दी भी बन जाता है और कुछ भी हेल्थी भी रहता है, इसलिए मैं सोच रही थी मैं ये आलू के नाश्ते में बना ही लेती हूँ, चाय खा लेंगी तो मन जल्दी भी थोड़ा काम से मेरा काम हो जाएगा नाश्ते में रखे। और अब इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो मेरा आमलेट बनकर रेडी हो गया खाने के लिए, आ जाइए आप लोग भी खाइए। अब मैं जा रही नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देखिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, नाश्ता बनाया तो मैंने पहले ही रेडी हो गई थी, फिर इसके बाद मैंने सोचा आप लोग थोड़ी बात ही कर तो मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आज सब्जी अंडे की बनाए तो मैंने अंडा को बॉयल कर लिया है, यह जीरा धनिया हल्दी पाउडर नमक गरम मसाला लाल मिर्च एक टमाटर डालूंगी और ये धने की पत्ती रखी हुई है, इसमें मैंने अदरक लहसुन और प्याज पीस ली है। तो अब मैंने अंडा को छील लिया है, छीलने के बाद मैं इनको फ्राई करूंगी, इसके बाद फिर मैं मसाले डालूंगी सारे को। मैंने तेल रख दिया कढ़ाई में डाल के, मेरा ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें डाल दूँगी अंडे और इनको फ्राई कर लूँगी, इसके बाद फिर मैं बनाऊंगे मेरी सब्जी। आप सेव करेंगे इसके बाद डाल दूँगी और सब्जी बनाऊंगी शाम को। फ्राई हो चुके हैं आप देखें, अब मैं इनको निकाल दूँगी, देखिए अच्छा कलर आया है, अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लूँ, मेरे अंडे देखें आप कैसे अच्छे फ्राई हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है। उसके बाद डालूँगी मसाला, निकालने के बाद डालूँगी जीरा, जीरा डाल दूँगी, जीरा डालने के बाद मसाला डाल दूँगी, डाल दिए हैं जीरा चटक गए हैं और अब मैं डालूंगी मसाला। जीरा डालने के बाद मैं डालूंगी मसाला, उसके बाद में सारे मसाले डालूंगी। सारे मसाले भीग चुके हैं और हम इसमें डाल देंगे टमाटर, वो भी डल गए हैं और अब मैं डालूंगी इसमें पानी, थोड़ी देर इसको पकने देंगे, तरी तैयार हो जाएगी, थोड़ी देर पक जाएगी, थोड़ी देर इसको पकाएंगे और पाँच मिनट हो जाएगी। इसमें कर लिए मैंने छः भी नंबर में थोड़ा थोड़ा से छेद कर लिए ताकि इसमें अच्छे से नमक चाकू की सहायता से इसमें अच्छे से छेद कर लिए हैं ताकि इसमें अच्छे से नमक पहुँच जाए और हम जैसे ही हमारा मसाला खोलने लगेगा कड़ी तो हम इसमें डाल देंगे अंडे। ये सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई अंडा कड़ी, अब मैं डाल दूँगी इसमें धनिया की पत्ती। मेरी अंडा कड़ी रेडी हो गई, देख सकते हैं तो मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल, आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना।